हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट सरकंडा बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल विषय पर चर्चा करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो को जिसे हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास पर प्रागैतिहासिक काल संबंधित विषय पर बनाया था, आप सभी घर पर सुरक्षित रहते हुए उस वीडियो को आपने देखा होगा और अपनी तैयारी को धार प्रदान किया होगा। आज का जो विषय है वह छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास है, जिस पर हम वैदिक काल के विषय पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज का जो विषय है वह विषय है वैदिक काल, इस पर हम चर्चा करेंगे। पर इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। स्पष्ट करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से कोई पृथक इतिहास नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भूभाग भारतीय भूभाग के भीतर है। इसलिए जैसा जैसा भारतीय इतिहास का चरण चलता है उसी अनुसार ही छत्तीसगढ़ के इतिहास का भी चरण चलता है। जिस तरह से भारतीय इतिहास के तीन खंड हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के भी तीन खंड हैं। तो सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास के प्रारंभिक बातों को समझना होगा, जिससे हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को कनेक्ट कर पाएंगे। मेरा कहने का आशय यह है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कुछ पार्ट को छोड़कर से सभी पार्ट भारतीय इतिहास से संबंधित हैं, और हम इस पार्ट में यह देख पाते हैं कि भारतीय इतिहास में जो राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम घटित हुआ उस घटनाक्रम के संबंध में छत्तीसगढ़ में क्या क्या साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं, और यदि वो साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त होते हैं तो छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों से प्राप्त होता है। जैसे कि भारतीय इतिहास की हम प्रारंभ करें तो आद्य ऐतिहासिक तौर पर या कालक्रम के आधार पर जो पहला विषय या टॉपिक हम पढ़ते हैं वह पहला विषय है सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका कार्यकाल है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो दूसरा टॉपिक हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं वह टॉपिक है वैदिक काल। और वैदिक काल का जो कार्यकाल है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का यह जो कार्यकाल है उसे हम वैदिक काल कहते हैं। इन दोनों कालों के बारे में पहले आपको परिचय दूं, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो काल है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल के जो भी हमको जानकारी प्राप्त होती है या जो भी स्थल प्राप्त होते हैं वे सभी के सभी स्थल सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों के आसपास स्थित हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। और वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल के जानकारी के स्रोत वेद हैं। वेद की संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों से इस काल की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। परंतु वेदों की रचना के आधार पर हम वैदिक काल के भी दो खंड करते हैं, और पहला जो खंड है उसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल का जो कार्यकाल है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा जो खंड है वैदिक काल का उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल है वह है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। चूंकि वैदिक काल के जानकारी के आधार चारों वेद हैं और चारों वेदों की रचनाओं के आधार पर वैदिक काल के दो खंड हैं। ऋग्वैदिक काल का आशय उस काल से है जिससे जिसकी जानकारी हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जबकि उत्तर वैदिक काल का संबंध उन वेदों से हैं जिनका रचना
ऋग्वेद के पश्चात किया गया, अर्थात यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, तीन वेद। तो इन दोनों टॉपिक से मैं आपको पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास को कनेक्ट करता हूँ, उसके पश्चात हम छत्तीसगढ़ में वैदिक काल के समय क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं और कौन कौन से स्थल संबंधित हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में मैंने पहले ही कहा कि सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इसके संबंध में जो भी हमको खुदाई से प्राप्त स्थल प्राप्त होते हैं वे सभी के सभी सिंधु नदी या उसके सहायक नदी के आसपास स्थित हैं। चूँकि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत, जैसा कि मैंने यहाँ पर नक्शा बना दिया है आपको समझ में आएगा, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित था और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित होने के साथ साथ इसका विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान सुतकांगे डोर से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ तक विस्तारित था। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के पूर्व क्षेत्र में अधिकतम उत्तर प्रदेश तक था, अतः सिंधु घाटी सभ्यता के समय का कोई भी स्थल या कोई भी साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्राप्त नहीं होता। इसलिए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास में जो दूसरा खंड प्रारंभ होता है वह वैदिक काल है, और वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई। लेकिन वैदिक काल के जो संस्थापक माने जाते हैं उन संस्थापकों को हम आर्य कहते हैं, और आर्यों के संबंध में भारतीय इतिहासकारों में एक बात पर सर्वमत है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं हैं। चूँकि भारत में आर्यों को चूँकि भारत का मूल निवासी नहीं माना जाता, इसलिए आर्यों के आगमन के संबंध में अलग अलग मतभेद विद्वानों में हैं, उस पर हम चर्चा भारतीय इतिहास पर करेंगे। पर यह तो स्पष्ट है कि आर्य भारत के बाहर किसी क्षेत्र से भारत में आए थे। तो आर्यों के भारत में प्रवेश करने का जब हम मार्ग देखते हैं तो आर्यों का भारत में प्रवेश करने का मार्ग उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। चूँकि आर्य भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आए तो प्रारंभिक अवस्था पर उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर ही अपना निवास स्थान बनाया और नदियों के किनारे ही बस गए, जिसे हमने सप्त संध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल का पहला खंड ऋग वैदिक काल है, जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इस काल की जानकारी हमको इनके द्वारा लिखे गए पहले वेद ऋग्वेद से प्राप्त होता है, और ऋग्वेद में वर्णन के हिसाब से विंध्यांचल जो पर्वत जो भारत को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटता है, विंध्यांचल पर्वत के उत्तर तक उत्तर क्षेत्र का ही वर्णन है, दक्षिण क्षेत्र का वर्णन नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ विंध्यांचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में भी छत्तीसगढ़ का कोई प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रसार केवल विंध्य पर्वत के उत्तर क्षेत्र तक हुआ था, न कि दक्षिण क्षेत्र में। परंतु उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल जिसमें तीनों वेदों सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार सप्त संध्या प्रदेश से होकर के गंगा यमुना द्वाब की ओर हुआ। जब गंगा यमुना द्वाब की ओर आर्यों का प्रसार हुआ तब उनका विस्तार पूर्व दिशा में होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी आया, और तब हमें उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रमाण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, प्रागैतिहासिक काल आदि मानवों का काल था, पर आज के वीडियो में जब हम वैदिक काल छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं तो वैदिक काल के भी पहले खंड ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। अतः छत्तीसगढ़ का इतिहास उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होता है। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए वो भी दो प्रकार के हैं, पहले ग्रंथ हैं श्रुति और दूसरा ग्रंथ है स्मृति। श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं जबकि स्मृति के अंतर्गत महाकाव्य आते हैं। स्मृति के अंतर्गत तीन प्रकार के महाकाव्य का वर्णन हम करते हैं, पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत और तीसरा है पुराण। तीसरा पुराण,
तो उत्तर वैदिक काल में वैदिक साहित्यों के अंतर्गत जो स्मृति ग्रंथ लिखे गए, रामायण, महाभारत और पुराण, इन्हीं तीनों स्मृति ग्रंथों में हमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों और उसमें उपलब्ध साक्ष्यों का जानकारी प्राप्त होता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि आर्यों का प्रसार छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल में हुआ और यहाँ से हमारी छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास प्रारंभ होती है। तो हम बारी बारी समझते चलेंगे कि रामायण काल से संबंधित छत्तीसगढ़ में स्थल कौन है, महाभारत काल संबंधित स्थल कौन सा है और पुराणों में छत्तीसगढ़ के किन किन तथ्यों का वर्णन किया गया है, इसके बारे में हम बारी बारी करते चलेंगे। इतना आपको समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि हम भारतीय इतिहास से छत्तीसगढ़ के इतिहास को कनेक्ट करना चाहते थे। भारतीय इतिहास के विषय वस्तु ही हमको पढ़ने हैं और बस हमको ये समझना है कि उन घटनाक्रमों का छत्तीसगढ़ में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होता है। तो हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज वैदिक काल पढ़ेंगे और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्पष्ट किया कि वैदिक काल में भी छत्तीसगढ़ का संदर्भ पहले खंड अर्थात पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल से ना होकर के उत्तर वैदिक काल से है। तो आर्यों की जानकारी हमारी वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में जो महाकाव्य लिखे गए उनमें इनकी जानकारी है। तो पहला जो महाकाव्य है वो पहला महाकाव्य है रामायण। अतः रामायण महाकाव्य के आधार पर मिले जानकारी के आधार पर इसे हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रामायण युग भी कहते हैं। रामायण काल में जो जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार रामायण काल में कोसल नाम का एक महाजनपद था और कोसल महाजनपद के दो खंड थे। पहला जो खंड था उसे कहा गया उत्तर कोसल और दूसरा जो खंड था उसे कहा गया दक्षिण कोसल। उत्तर कोसल के राजा दशरथ थे जिनकी राजधानी सावस्ती थी, जबकि दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत थे जिनकी राजधानी श्रीपुर थी। भानुमंत की एक पुत्री हुई जिनका नाम कौशल्या था, जो श्री राम की माता हैं। भानुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह राजा दशरथ के साथ कराया और इस तरह से उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल के मध्य संबंध स्थापित हुए। मान्यता के अनुसार भानुमंत ने दक्षिण कोसल राज्य को दहेज स्वरूप राजा दशरथ को सौंपा। इस काल से विभिन्न संबंधित स्थल छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भी स्थित हैं जो निम्नलिखित हैं। बारी बारी करके मैं उन्हें आपको समझाते चलता हूँ। पहला जो स्थल रामायण काल से संबंधित है वह स्थल है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। रामायण की कथा के अनुसार यहाँ पर सबरी माता का आश्रम था। जब भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में निकले हुए थे तो वे वनवास काल के दौरान इस आश्रम में रुके और उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए। दूसरा जो स्थल रामायण काल से संबंधित है वह स्थल है खरौद। खरौद जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। मान्यता के अनुसार खरौद में खरदूषण नामक राक्षस का शासन था। तीसरा जो स्थल रामायण काल से संबंधित है वह स्थल है सिहावा। सिहावा धमतरी जिले में स्थित है। रामायण की कथा के अनुसार सिहावा में सिंगी ऋषि का आश्रम था। सिंगी ऋषि और उसके सहयोगी ऋषियों को राक्षसों के आक्रांतों से भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने मुक्ति दिलवाया था। चौथा जो इस काल से संबंधित स्थल है वह है तुरतुरिया। रामायण के कथा के अनुसार तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। इसी स्थान पर सीता माता ने शरण प्राप्त किया था और इसी स्थान पर लव कुश का जन्म भी हुआ था। इसीलिए तुरतुरिया को सीता की शरण स्थली और लव कुश की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। अगला जो स्थल इस काल से संबंधित है वह स्थल है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है। रामायण के कथा के अनुसार इसी पहाड़ी पर किष्किंधा पर्वत स्थित है जिसमें बाली और सुग्रीव का निवास माना जाता है। साथ ही साथ इस पहाड़ी पर लक्ष्मण झूला और सीता रसोई के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लक्ष्मण झूला और सीता रसोई के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस काल से संबंधित
एक अन्य प्रमुख स्थल है वह है बस्तर। रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से वर्णित किया गया है। रामायण के कथा के अनुसार बस्तर क्षेत्र में राजा दंडक का शासन हुआ करता था, परंतु किसी ऋषि के श्राप के कारण राजा दंडक का संपूर्ण राज्य क्षेत्र जंगल या अरण्य में परिवर्तित हो गया, इसलिए उस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य मतलब राजा दंडक का अरण्य रखा गया। इस काल से संबंधित अन्य एक नदी का भी वर्णन प्राप्त होता है, जिसे हम वर्तमान में इंद्रावती नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी को रामायण में मंदाकिनी नदी के नाम से वर्णित किया गया है। चित्रकूट जलप्रपात जो कि बस्तर में स्थित है, इस जलप्रपात का वर्णन भी रामायण में किया गया है। इस तरह से ये सभी स्थल रामायण काल में वर्णित हैं, रामायण ग्रंथ में वर्णित हैं, और ये सभी स्थल वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि रामायण युग में छत्तीसगढ़ का अस्तित्व था। रामायण के पश्चात अगला जो महाकाव्य जिससे हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है वह दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत महाकाव्य में भी छत्तीसगढ़ का वर्णन है। महाभारत महाकाव्य के अनुसार उस समय छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल था। छत्तीसगढ़ को महाभारत में प्राक कौशल के नाम से वर्णित किया गया है, जबकि बस्तर क्षेत्र को महाभारत में महाकांतार के रूप में बताया गया है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ के जिन क्षेत्रों का वर्णन है वह निम्नलिखित हैं। पहला जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है रतनपुर। रतनपुर को महाभारत काल में मणिपुर के नाम से वर्णित किया गया है, और रतनपुर के जिस राजा का वर्णन है उस राजा का नाम मोरध्वज बताया गया है। दूसरा जो स्थल महाभारत काल में वर्णित है वह स्थल है आरंग। आरंग रायपुर जिले में स्थित है। आरंग को महाभारत महाकाव्य में भांडेर के नाम से वर्णित किया गया है। यहाँ के राजा का जो वर्णन है उसका नाम ताम्रध्वज था। ताम्रध्वज और मोरध्वज में संबंध के जो बताए गए हैं उसमें इतिहासकारों मतभेद है। कुछ इतिहासकारों ने ताम्रध्वज को मोरध्वज का पुत्र और कुछ इतिहासकारों ने ताम्रध्वज को मोरध्वज का भाई के रूप में वर्णित किया है। तीसरा प्रमुख स्थल जो महाभारत काल संबंधित है वह स्थल है खल्लारी। खल्लारी महासमुंद जिले में स्थित है। खल्लारी को महाभारत महाकाव्य में खल वाटिका के नाम से वर्णित किया गया है। खल्लारी या खल वाटिका के संबंध में महाभारत में जो कहानी वर्णित है वह यह है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास की ओर भ्रमण कर रहे थे तब इसी स्थान पर उन्हें लाक्षागृह के माध्यम से जलाकर मारने की षड्यंत्र किया गया था। अतः खल्लारी या खल्लवाटिका में लाक्षागृह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ भीम के पद चिन्ह के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महाभारत काल से अगला संबंधित जो स्थल है वह स्थल है गुंजी। गुंजी शक्ति में जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। महाभारत काल में इसे ऋषभ तीर्थ के नाम से वर्णित किया गया है। महाभारत काल से संबंधित एक अन्य जानकारी इतिहासकारों ने बताते हुए यह बताया है कि जांजगीर चांपा जिला में भीमा तालाब के नाम से एक जो तालाब है वो तालाब को संभवतः उन्होंने भीम के नाम पर वर्णित माना है। ये ऐसे प्रमुख स्थल हैं जो महाभारत काल संबंधित हैं, पर इनमें जो सबसे प्रमुख स्थल है जिसका वर्णन रामायण काल और महाभारत काल दोनों में किया गया है वे स्थल हैं सिरपुर। रामायण काल में सिरपुर का वर्णन कुश स्थली के रूप में किया गया है, कुश स्थली, जबकि महाभारत काल में सिरपुर का वर्णन
चित्रांगदपुर के रूप में किया गया है। चित्रांगदपुर दोनों की कहानी मैं आपको स्पष्ट करता हूं। रामायण की कथा के अनुसार सिरपुर को भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश ने अपनी राजधानी बनाई, इसीलिए सिरपुर को कुश स्थली कहा गया। कालांतर में महाभारत की कहानी के अनुसार अर्जुन और उनकी पत्नी चित्रांगदा से जन्म लिए हुए पुत्र बभ्रुवाहन, यहाँ पर पात्र आपको याद रखना है वो है बभ्रुवाहन। अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र बभ्रुवाहन ने अपनी माता के नाम पर सिरपुर का नाम चित्रांगदपुर रखा और उस पर अपना शासन किया, इसीलिए सिरपुर को महाभारत काल में चित्रांगदपुर कहा गया, जबकि रामायण काल में सिरपुर को कुशस्थली कहा गया। इन दोनों महाकाव्यों के अलावा छत्तीसगढ़ का वर्णन पुराणों में भी किया गया है और पुराणों में हमारा जो वर्णन है वो खास करके नदियों का वर्णन है और CGPSC और व्यापम की दृष्टि से अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुराणों में जो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है छत्तीसगढ़ की वह नदी है महानदी, और महानदी को दो नामों से वर्णित किया गया है, चित्रोत्पला और नीलोत्पला। महानदी को नीलोत्पला वायु पुराण में कहा गया है, जबकि चित्रोत्पला का वर्णन मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत के भीष्म पर्व में भी किया गया है। दूसरा जो नदी जिसका वर्णन है पुराणों में वह नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी का वर्णन पुराणों में रेवा नदी के नाम से किया गया है। तीसरा जो नदी है जिसका वर्णन पुराणों में है वह नदी है मांड नदी, और मांड नदी का वर्णन पुराणों में मंदवाहिनी के नाम से किया गया है। मंदवाहिनी का वर्णन मार्कंडेय पुराण से प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मांड नदी को मंदवाहिनी कहा गया है। मैं फिर से बता दूं कि CGPSC और व्यापम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो महानदी से पूछे जाते हैं कि महानदी को पुराणों में किन नामों से परिभाषित किया गया है। तो महानदी को नीलोत्पला और चित्रोत्पला कहा गया है, नीलोत्पला वायु पुराण में, जबकि चित्रोत्पला मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, भीष्म पुराण और ब्रह्म पुराण में कहा गया है। इन पुराणों में महानदी को चित्रोत्पला, नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है और मांड नदी को मार्कंडेय पुराण में मंदवाहिनी कहा गया है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में उत्तर वैदिक काल से जानकारी प्राप्त होती है और उत्तर वैदिक काल में भी जो स्मृति ग्रंथ लिखे गए, और स्मृति ग्रंथों में तीन ग्रंथ हमारे सामने आते हैं, वो तीन ग्रंथ हैं रामायण, महाभारत और पुराण। पुराणों की कथा के अनुसार एक बात और आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुराणों की कथा के अनुसार इस जगह पर इक्ष्वाकु वंश का शासन था और इक्ष्वाकु वंश के शासक माने गए हैं मनु, और मनु के पोते का वर्णन किया जाता है कि मनु के पौत्र विंतस्व, मनु के पौत्र हुए विंतस्व जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो पुराणों के संबंध में आपको एक अहम जानकारी यह रखनी है कि इक्ष्वाकु वंश का शासन छत्तीसगढ़ में था और शासन करने वाले जो राजा थे वो थे विंतस्व जो मनु के पौत्र हैं, और पुराणों में नदियों का वर्णन है। वैदिक काल के संदर्भ में यह जानकारी मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में हमारी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, उत्तर वैदिक काल से हमारी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग वैदिक काल में जानकारी इसलिए प्राप्त नहीं होती क्योंकि आर्यों का विस्तार केवल विंध्य पर्वत तक हुआ था। उत्तर वैदिक काल में जब आर्यों का प्रसार गंगा यमुना दोआब में पूर्व दिशा की ओर हुआ और उस दौरान जो वैदिक साहित्य रामायण, महाभारत और पुराण लिखे गए उसमें
हमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों का जानकारी प्राप्त होता है जो निम्नलिखित है। यह जो टॉपिक है आपको पीएससी प्री, व्यापम और मेंस तीनों दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। प्री और व्यापम में आपसे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सा स्थान कहां पर स्थित है, किस जिले में स्थित है और उसका प्राचीन नाम क्या था, जबकि मेंस में आपको इस पर टिप्पणी लिखने को दिया जा सकता है। एक बात आपको कंक्लूजन के तौर पर बताऊं, जो इतिहासकार सर्वमत हैं कि आर्यों के आगमन से पहले छत्तीसगढ़ में अनार्य या दस्यु लोगों का सभ्यता निवास करता था। कालांतर में जब आर्यों का यहाँ पर संकेंद्रण हुआ, विस्तार हुआ, तो छत्तीसगढ़ में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति का जन्म हुआ जिसे आर्य और अनार्य संस्कृति का समन्वित रूप के रूप में जाना जाता है। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे इस टॉपिक से आपको अगली वीडियो में हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप सभी अधिक से अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखें ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निरंतर होती रहे। साथ ही साथ अगली वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित PDF आपको YouTube चैनल पर हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है किसी भी टॉपिक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि इस YouTube चैनल को देखते दौरान यदि आपको स्क्रीनशॉट भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है बोर्ड का लेना हो तो आप सब ले सकते हैं। धन्यवाद।